उपाधि श्री गोविंद सिंह पुंडीर है, इन्होंने राजपुर थाने पर एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये जमीन से रिलेटेड काम करते हैं और इनके पास इनके जानने वाले के माध्यम से खुल जाए। उनके द्वारा ये बताया गया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े बाबा हैं और जो अपने आश्रम स्कूल खोलने के लिए जमीन देख रहे हैं और जमीन वो तभी लेते हैं जब वो वहाँ की मिट्टी की पूजा और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि ठीक है। इसके आधार पर उनके द्वारा उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए विभिन्न जगहों पर अपनी ज़मीनों को दिखाया गया, लेकिन वो जो इसमें अभियुक्त करते हैं उनके द्वारा भोके से उनको ये बताया गया कि जमीन का जो सॉइल था वो टेस्ट में पास नहीं हुआ, लेकिन ऐसी ज़मीन हरियाणा करनाल में भी किसानों की है जहाँ पर सस्ते दामों में मिल जाएगी और चूंकि वो डायरेक्टली संस्था से जुड़े हैं तो उसको नहीं खरीद सकता, अगर वो इंटरेस्टेड है तो सस्ते दामों में मिल जाएगी जो वो बाबा को महंगे दामों पर वो संस्था को दे सकते हैं। इसके आधार पर उनके द्वारा करीब 1 करोड़ रुपये जाकर वहाँ पर करनाल में जाकर एडवांस पेमेंट किया गया और इसके बाद उनकी मुलाकात बाबा से कराई गई और इसके बाद उनको जब पूरा विश्वास हो गया कि ये ज़मीन पास हो गई है, उनके द्वारा बताया गया इस पूरी ज़मीन की 52 करोड़ रुपये में वो डील हो रही है और ये सब कुछ कैश और कुछ ड्राफ्ट दिखाया गया और डील करने के लिए फाइनल कर लिया गया। लेकिन रास्ते में जब इनको डील करने रजिस्ट्री करने वादी जो जा रहे थे तो उनको बताया गया कि उनका पैसा रास्ते में इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया है और उसको जुर्माने स्वरूप उसको छुड़ाने के लिए उसमें 3 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और टोटल 6 करोड़ रुपए जुर्माना हो रहा है, जिस पर उनके द्वारा विश्वास करते हुए 3 करोड़ रुपए उनके द्वारा दे दिए गए और इस तरह अलग अलग समय पर धोखाधड़ी करके 7 करोड़ 32 लाख रुपए ले लिए गए। जब समस्त जानकारी इनको वहाँ मौके पर किसानों से जाकर वार्ता करने को हुई तो पता चला कि ऐसी कोई ज़मीन नहीं थी और पूरा गैंग उनके साथ लगातार काफ़ी समय से फ्रॉड करते हुए पैसे ले रहा था। इसी तरह का एक प्रकरण वसंत विहार थाने में भी आया जिसमें भी सेम मोडस ऑपरेंडिंग के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। ये जो 16 अभियुक्त के नाम इसमें लिखाए गए हैं, 16 अभियुक्तों पर विभिन्न प्रांतों में करीब दर्जनों मुकदमे इसी तरह के दर्ज हैं। इसमें स्पेशल टीम बनाई जा रही है जो इन्वेस्टिगेट करेगी और इस सभी अभियुक्तों की तलाश के लिए हमारी टीम इसमें गैर प्रांतों को जाएगी।